हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। और होपफुली आप सभी सेफ हैं, घर पे हैं और क्वारंटाइन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और प्लीज़ आसपास के लोगों की मदद करना ना भूलें, उन्हें हमारी ज़रूरत है। सो आप घर पे 21 दिन लॉकडाउन पे हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो ऐसा बनाया जाए मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, वो उसको फॉलो कर सके अपने घर पे। बिकॉज ये इंडियन बेस्ड, इंडियन फूड बेस्ड डाइट प्लान है और मैंने इसमें 1200 से 1300 कैलोरीज का ये डाइट प्लान मैंने बनाया है, जिसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वाले दोनों इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ये सेपरेट सेपरेट मैंने दोनों के लिए बनाया है। तो आपको मैं थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ कि एक ह्यूमन बीइंग जो होता है, फीमेल वुमेन जो होती हैं, उनको 1200 से 1500 कैलोरी के एवरेज ह्यूमन बींग को लेनी चाहिए, और जो मेन होते हैं उनको 2000 से 2500 कैलोरी लेनी चाहिए। बट जब मैं ये डाइट प्लान बनाता हूँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ BMI एंड BMR मैं ये डाइट प्लान बनाता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। बट अगर आपको नहीं पता कि कैसे BMI और BMR कैलकुलेट करते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रही होगी, आप इस वीडियो को देख सकते हो और उसके बेसिस पे आप अपना डाइट प्लान खुद भी बना सकते हो। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिकॉज अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे, तो सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करता हूं, तो उनको देख पाओगे। सो थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताता हूं कि क्या ऐसे रीज़न हैं कि आप वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहला, आपको अपनी कैलोरीज इनटेक कम करनी पड़ेंगी। अगर आपकी कैलोरीज इनटेक ज़्यादा हैं, तो भी आप वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो। उसके अलावा आपकी नींद अगर 7 या 8 घंटे पूरी नहीं हो पा रही है, तब भी आप वेट रिड्यूस या फैट रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो। आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपने कार्ब्स की रेशो कम नहीं कर रखी है। ये कुछ ऐसे रीज़न हैं जो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। आप बोलते हो कि वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, पर रीजंस क्या है कि आपने कार्ब्स की इनटेक ज़्यादा कर रखी है, जो कि आपको कम करनी पड़ेगी अपने वेट रिड्यूस और फैट रिड्यूस करने के प्रोसेस में। हम फोकस करेंगे कि हम अपना फैट रिड्यूस करें। सो मैंने एक वीडियो रिसेंटली, मेरा जो लास्ट वीडियो था, मैंने क्वारंटाइन होम वर्कआउट पे बनाया है। सो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर एक इंसान को एवरेज वेट रिड्यूस करना है वीक में, तो वो 1 से 2 पाउंड रिड्यूस कर सकता है, जो कि होता है 1/2 kg पर वीक। तो 4 वीक में आप नियर अबाउट 2 or 3 kg वेट कम कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीज, जो मैंने ये डाइट प्लान आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें। इस वीडियो में मैंने एक टिप भी शेयर किया है, तो आपको उस टिप के बारे में पता लगेगा और वो होपफुली आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा अपनी डाइट को मेंटेन करने के लिए थ्रू आउट द वीक। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो डाइट प्लान मैंने बनाया है, वो अगर जिन लोगों को सीरियसली वेट रिड्यूस करना है, जिसको मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि जिसको सीरियसली फैट रिड्यूस करना है, प्लीज़ वही इसको डाइट प्लान को फॉलो करें। अगर जिनको नहीं करना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं छोड़ दें, बिकॉज ये सबसे बेस्ट टाइम है। हम घर पे हैं और हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, और अपनी कैलोरीज कम करके अपने वेट को, फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर अच्छे तरीके से और वेट रिड्यूस करना है, फैट रिड्यूस करना है, तो आप क्वारंटाइन वाले वीडियो के साथ ये डाइट प्लान प्लस एक्सरसाइज को, होम वर्कआउट को कॉम्बिनेशन कर सकते हैं और अपना वेट बहुत ही अच्छे तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। और मैं आपको अब बताता हूँ कि मैंने क्या क्या ये डाइट प्लान मैंने बनाया है और कितनी कितनी उसके अंदर कैलोरीज हैं और ये कब कब लेना है। तो चलिए मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ ये डाइट प्लान। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों डाइट प्लान अलग अलग से बना रखे हैं। आप सुबह 7 बजे अपना दिन स्टार्ट करिए और रात को 8 बजे तक आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। मेन 3 मील्स रहेंगी हमारी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। उसके बीच में हमारा मॉर्निंग स्नैक्स रहेगा और इवनिंग स्नैक्स रहेगा। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कैलरीज भी मैंशन कर रखी हैं, ठीक है। और 1 ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर ले रखा है यहाँ पर सुबह मॉर्निंग उठते ही। और अगर आप लोगों ने मेरा किसी ने वीडियो नहीं देखा है, टॉप 5 मॉर्निंग ड्रिंक, तो साइड में लिंक हो रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। उसके अलावा आप यहाँ पे क्लियरली ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी हैं विद कैलोरीज। सो आप इन चीज़ों को प्लीज़ फॉलो करिए और अपना वेट और अपना फैट रिड्यूस करिए अच्छे तरीके से। प्योर इंडियन बेस्ड डाइट पे है, और नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए भी मैंने ये डाइट प्लान बना रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें सेम हैं, बट हेल्प करेगा आपको। 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, 2 हार्ड बॉयल्ड एग ले सकते हैं, जो कि 290 कैलोरीज होती हैं टोटल।
और मॉर्निंग स्नैक्स भी आप ले सकते हैं, लंच ले सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप सोचो कि आपने अपना डिनर मिस कर दिया है। प्लीज़ ये फोकस मत करिए कि कोई भी मील मिस करिए, बट अपनी अपनी मील्स को स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करिए जिससे कि आपको उसका बेनिफिट मिले, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डू नॉट मिस में कुछ पॉइंट्स भी ले रखे हैं, प्लीज़ आप इन पॉइंट्स को भी पढ़िए। और मेरा किसी ने वीडियो नहीं देखा है क्वारंटाइन का वीडियो, तो वो भी यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये डाइट प्लान मैं अपलोड भी कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड भी कर पाओगे इजी से और आप इसको देख सकते हैं क्लियरली। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और ये डाइट प्लान बहुत ही सिंपल और इंडियन बेस्ड डाइट प्लान मैंने बनाया है यहाँ पे, इसको मैंने स्मॉल स्मॉल मील्स में डिवाइड कर रखा है। आप इसको फॉलो करिए और मुझे बताइए कि आपको रिजल्ट मिले हैं या नहीं मिले हैं। थैंक यू सो मच। सो मैंने जो आपको अभी डाइट प्लान एक्सप्लेन किया है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को, वो 1200-1300 कैलोरी तक का डाइट प्लान है। सो सीरियसली अगर यार किसी ने रिड्यूस करना है, तो आप इसको डाइट प्लान को जो मैंने टाइम मेंशन किया उसी लेवल पे उसी तरह से अगर आप उसको फॉलो करते हो और साथ में एक्सरसाइज भी करते हो, तो आपको अच्छा रिड्यूस हो सकता है। और ये बेस्ट टाइम है कि हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ फ़ायदा उस चीज़ का उठाया जाए। सो मैंने आपको बोला था कि मैं इस वीडियो के एंड में एक टिप भी दूंगा, तो टिप ये है कि आप अपने मील को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे आपको पता लगा कि आपने कितनी मील्स बाहर खाई हैं पूरे वीक में, ऑन द बेसिस ऑफ डैट कि आपको पता लग सकता है कि आप कितना बाहर का खा रहे हो। तो मेरी एक कैलकुलेशन है जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूँ और आपको भी मैं वो टिप बता रहा हूँ यहाँ पे। हम नॉर्मली एक दिन में 3 मेन मील्स होती हैं, ठीक है। सो हमारे पास एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 × 3 21 मील्स टोटल एक वीक में मेरे पास होती हैं। तो आप एक चार्ट बनाओ जिसमें मंडे टू संडे लिखा हो और उसमें ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर मेंशन किया हो। सो शाम को जब भी आप फ्री हो रहे हो, तो आप ये चीज़ें चेक करो कि आपने आज ब्रेकफास्ट बाहर से खाया है या फिर घर से खाया है, लंच या डिनर, इन सारी चीज़ों को देखो और पूरे वीक में उनको टिक लगाओ और क्रॉस लगाओ जिसको आपने बाहर खाया है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप एवरेज कैलकुलेट करते हो तो 21 पूरी मील्स होती हैं वीक में। तो आप लगभग अगर 16 या 17 मील्स घर पे खा रहे हो और बाकी की मील्स बाहर खा रहे हो, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। बट अगर आप 10 मील घर पे खा रहे हो और बाकी की मील्स 11 मील बाहर खा रहे हो, सो वो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन है जो मैं फॉलो करता हूँ, आपको पता लगता रहेगा। ऐसे ही टिप्स मैं अपनी वीडियोस में बताता रहूँगा जरूर। लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि किसी ने मेरे चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई नया है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। और इस तरह के वीडियोज़ आप तक पहुंचाता रहूंगा डाइट की, एक्सरसाइज के, बिकॉज मैं खुद वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं अपनी डाइट को कभी भी मिस नहीं करता।